हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन की आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डायवर्जन हेडवर्क्स के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिल्ट एक्सक्लूडर के बारे में कि सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं, और डायवर्जन हेडवर्क्स में यानी कैनाल हेडवर्क्स में सिल्ट एक्सक्लूडर की लोकेशन कहाँ पर होती है और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इस लेक्चर में हम इसको समझेंगे, साथ के साथ इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिल्ट इजेक्टर के बारे में भी, देखेंगे कि सिल्ट इजेक्टर क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देखिए, कैनाल हेडवर्क्स या आप कह सकते हैं डायवर्जन हेडवर्क्स को, इन इस जो टॉपिक है हमारे आज के जो सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर को समझने के लिए, हमने यहां पर एक 3D डायग्राम, एक इमेज बनाई हुई है, इसके द्वारा हम समझेंगे इन टॉपिक्स को। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सिल्ट इजेक्टर और सिल्ट एक्सक्लूडर के बारे में। लेक्चर देखने से पहले मैं यही कहूंगा, जो पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने कैनाल हेडवर्क्स के, डायवर्जन हेडवर्क्स के जितने भी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, उसको आप एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिल्ट एक्सक्लूडर के बारे में। इस डायग्राम के थ्रू आप देखें, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारा लिखा हुआ है रिवर और ये अपस्ट्रीम, और इस रिवर की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो हमारी आप एरो द्वारा समझ सकते हैं कि रिवर की जो वाटर फ्लो डायरेक्शन हमारी इस तरीके से है। जैसे ही आप देखते हैं कि रिवर फ्लो की जो वाटर की डायरेक्शन है वो आगे आ रही है, तो यहां पर हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैनाल हेडवर्क्स क्या होते हैं, कि अगर हमारे जो रिवर का वाटर है उस रिवर के वाटर को और हम डाइवर्ट करना चाहते हैं कैनाल में। आप देखें यहाँ पर जो रिवर का वाटर है, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, वाटर को रोकेगा और वाटर लेवल को इंक्रीज करेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वाटर को रिवर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम डाइवर्ट कर सकते हैं कैनाल में। तो यही हमने बताया था कि ऐसा स्ट्रक्चर जो अक्रॉस द रिवर यानी रिवर के आर पार बनाया जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करें, रिवर के वाटर को हम कैनाल में डाइवर्ट कर देते हैं, तो वही हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वही स्ट्रक्चर हमारा कैनाल हेडवर्क्स कहलाता है, या फिर उसे आप कह सकते हैं डायवर्जन हेडवर्क्स को हम इसी को हम क्या कहते हैं, डायवर्जन हेडवर्क्स के नाम से जानते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमारे डिफरेंट टाइप के पार्ट्स भी थे, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, हमने सबसे पहले बताया था ये जो दीवार आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये जो ब्लू कलर की वॉल है ये है वियर या वेराज। मैंने बताया था वियर के केस में यहां पर हमारे गेट लगे हुए नहीं होंगे, तो उसे इस दीवार को क्या कहेंगे, उस केस में हम बियर कहेंगे। अगर ये गेट लगे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, हम बैराज के नाम से जानते हैं। और ये वेट और जो हमारे गेट लगे हुए हैं ये कैसे होते हैं, हमारे ऑपरेटेड होते हैं, इनको हम जो रॉप के द्वारा इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी हम आगे फ्लो करना चाहते हैं रिवर में डाउन स्ट्रीम है वो कर सकते हैं। उसके बाद इस दीवार के बाद अगर हम बात करें, ये जो रेड कलर की आप जो दीवार देख रहे हैं, जो बड़ी ये वर्टिकल कंडीशन में जो हमारी ये दीवार खड़ी हुई है, इस दीवार को हम कहते हैं डिवाइड वॉल। ये दीवार क्या काम करती है, आप देखें जो रिवर का वाटर हमारा अपस्ट्रीम में आएगा, ये दीवार क्या करती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है वाटर को। एक हमारा ये पोर्शन बन जाता है वाटर का, दूसरा पोर्शन हमारा ये वाला बन जाता है, यानी डिवाइड वॉल क्या कर रही है, हमारी वाटर को दो पार्ट्स में यहां पर डिवाइड करने का वर्क कर रही है। अब देखें इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि सिल्ट एक्सक्लूडर की लोकेशन जो आज हमें डिस्कस करनी है वो इसी पार्ट के अंतर्गत आती है। अब देखें यहां पर डिवाइड वॉल के साइड में, यहां पर हमने देखा कि यहां पर भी एक आगे वॉल है और यहां पर भी आगे एक दीवार यहां पर बनाई गई है, और उस दीवार में यहां पर क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। तो इसको पहले समझें, तो इसे कहते हैं हम कैनाल हेड रेगुलेटर, यानी जो हम रिवर का वाटर जो हम डाइवर्ट करना चाहते हैं कैनाल में, तो उसकी जो उसको जो हम ऑपरेट करेंगे, कितनी क्वांटिटी हमें कंट्रोल करनी है कैनाल के अंदर, कितना पानी हम डाइवर्ट करना चाहते हैं उसको कंट्रोल करता है कैनाल हेड रेगुलेटर। तो आप कह सकते हैं कि कैनाल हेड रेगुलेटर एक ऐसा डायवर्जन हेडवर्क्स का एक ऐसा पार्ट है जो कैनाल में जाने वाले पानी यानी कि वाटर क्वांटिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हमारा क्या है, एक वॉल है, और उस वॉल में हमारा क्या लगा हुआ है, एक रेगुलेटर यहां पर हमने लगाया हुआ है। अब देखें यहां पर एक तो ये दीवार होगी जिसमें हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर यहां पर लगा हुआ है, और आगे आप देख रहे हैं यहां पर भी एक हमारी वॉल आपको दिखाई दे रही है, और उस वॉल में वॉल के द्वारा भी, तो वाटर जब यहां से आएगा तो इस साइड में भी हमारी एक वॉल है, यहां पर भी एक वर्टिकल वॉल है और यहां पर भी एक वॉल है। तो हम देखें अगर ये तीनों कंडीशन में अगर हम देखें यहां पर, तो पानी की वेलोसिटी हमारी कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यानी हमारा एक वाटर पॉकेट, एक शांत जल का यहां पर हमारा सिचुएशन हमें देखने के लिए पानी की हमारी वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। अब
देखें सिल्ट एक्सक्लूडर की बात अगर हम यहां पर करें तो ये आपको समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके का है, और जो ग्रीन कलर की जो आप लाइन दे रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, हमारे क्या है रिवर ट्रेन, एज ए रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं, हमारे गाइड बैंक्स हैं, मार्जिनल बंद है जो वाटर को ट्रेन करते हैं इस डायरेक्शन में इस तरीके से आने के लिए। तो जब वाटर हमारा यहां पर आएगा तो अगर हम सिल्ट एक्सक्लूडर की बात करें कि सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होते हैं, तो देखें हम ये चाहते हैं कि कैनाल में जो रिवर हमारा रिवर में जो हमारा फ्लो फ्लो जो बहता हुआ पानी आ रहा है, जाहिर सी बात है उसमें सिल्ट की मात्रा जरूर होगी। ध्यान से समझेंगे यहां से इस लेक्चर को कि जब हम पानी रिवर का फ्लो होता हुआ आ रहा होगा तो उसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, और अगर हम डायरेक्टली पानी को हम कैनाल में ट्रांसफर कर देंगे तो जो सस्पेंडेड सिल्ट है जो रिवर में बहते हुए आ रही है वही सिल्ट हमारी क्या होगी कैनाल में भी आगे चली जाएगी, और कुछ आगे जाकर उसमें क्या हो जाएगी सिल्टिंग होने लगेगी, और जो कैनाल जो हमारी वाटर में जो सिल्ट थी सिल्टिंग के बाद हमारे कैनाल सेक्शन में बैठ जाएगी, उसकी सस्पेंड उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और बैठने के बाद हम ये देखेंगे कि जो कैनाल की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है जो उसका सेक्शन है उसकी क्षमता घट जाएगी, यानी कि जितना पानी वो ले जा सकता था अब वो नहीं ले जा पाया क्योंकि कैनाल सेक्शन सिल्टिंग के कारण कैसा हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा, तो डिस्चार्ज कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि जो रिवर का वाटर है उस रिवर के वाटर की जो सिल्ट है जो सस्पेंडेड जो हमारी सस्पेंशन में सिल्ट यहाँ पर फ्लो होते हुए आ रही है वो सिल्ट हमारी कहां ना जाए कैनाल में नहीं जानी चाहिए, ऐसी हम कोशिश करते हैं। तो अब देखें यहां पर अब ये सिल्ट एक्सक्लूडर है क्या, सिल्ट एक्सक्लूडर वही पार्ट है, यही ऐसे पार्ट है आप ये कह सकते हैं कि डायवर्जन हेडवर्क्स के ऐसे पार्ट होते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर जो क्या करते हैं कैनाल में सिल्ट जाने से रोकते हैं, यानी सिल्ट की एंट्री को क्या कर देते हैं रोकने का काम करते हैं। तो अब यहां पर हमें पहली बात एक पहला पॉइंट हमारा टॉपिक का समझ में आया कि सिल्ट एक्सक्लूडर डायवर्जन हेडवर्क्स के एक ऐसे पार्ट होते हैं एक ऐसे भाग है जो कैनाल में सिल्ट की एंट्री को रोकते हैं, लेकिन कैसे ये हमें समझना होगा कि आखिर ये किस तरीके से रोकेंगे। तो हम इस डायग्राम के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे ताकि इसकी वर्किंग हमें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो पॉइंट नंबर वन तो आपको याद रखना है कि रिवर के जो हमारा रिवर में जो वाटर है रिवर का जो वाटर फ्लो होते हुए आ रहा है उसमें जो हमारी सस्पेंशन में सिल्ट है हम चाहते हैं कि सिल्ट हमारी ना जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर का यूज कर लेते हैं, और सिल्ट एक्सक्लूडर ऐसे पार्ट होते हैं जो सिल्ट को कैनाल में जाने से रोकते हैं। अब देखें यहां पर अब हम बात करते हैं यहां पर लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, आप देखें यहां पर जो मेरा रेक्टेंगुलर यहां पर जो पार्ट बना रखे हैं ये आप देखें यहां पर लिखा हुआ है टनल 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 यहां पर इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। और एक चीज और आप देख रहे हैं इसमें कॉमन कि सबसे जो डिवाइड बॉल के पास वाली जो टनल है वो बहुत ही कम लेंथ की है, उससे आगे उससे बड़ी लेंथ की, उससे आगे उससे भी बड़ी लेंथ की है। तो अब यहां पर हम कहेंगे कि सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर रेक्टेंगुलर टनल होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर हुआ कि सिल्ट एक्सक्लूडर कैसी होती है, रेक्टेंगुलर टनल होती हैं, और ये जो रेक्टेंगुलर टनल है उसकी सबसे ज्यादा जो लंबाई होती है वो नियर हेड रेगुलेटर के पास ही होती है, यानी हेड रेगुलेटर के पास वाली जो टनल होगी जो सिल्ट एक्सक्लूडर की जो रेक्टेंगुलर टनल है जो आयताकार सुरंग है वो सबसे बड़ी होगी कौन सी कैनाल हेड रेगुलेटर के पास वाली। तो तीन पॉइंट यहां पर हो गए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कैनाल में सिल्ट की एंट्री को रोकने के लिए जो पार्ट होते हैं वो क्या सिल्ट एक्सक्लूडर कहलाते हैं, दूसरा पॉइंट सिल्ट एक्सक्लूडर हमारी रेक्टेंगुलर टनल होती हैं, तीसरा पॉइंट जो सिल्ट एक्सक्लूडर के लिए टनल बनाई जाती हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यानी कैनाल हेड रेगुलेटर के पास वाली जो हमारी रेक्टेंगुलर टनल होगी वो सबसे ज्यादा लंबाई की होगी। ये तो हो गए हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिल्ट एक्सक्लूडर के बारे में। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की किस तरीके से वर्क करते हैं। एक पॉइंट और यहां पर आप याद रखेंगे कि सिल्ट जो हमारी रेक्टेंगुलर टनल है ये रेक्टेंगुलर टनल हमारी रेस्ट कहां करती है, वो रेस्ट करती है हमारी अंडर सुलिस के फ्लोर पर, कहां पर करती है अंडर सुलिस के फ्लोर पर। अब अंडर सुलिस क्या है इसको भी समझना होगा। तो देखें अंडर सुलिस हमारा डायवर्जन हेडवर्क्स का, क्योंकि ये सारे क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं तो इसको हमें समझना होगा। तो अंडर सुलिस क्या है, अंडर सुलिस हमारे डायवर्जन हेडवर्क्स के ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम स्कोरिंग सुलिस भी कहते हैं। तो ऐसे पार्ट होते हैं जो क्या काम करते हैं,
जो हमारे डाउन स्ट्रीम में जो जमी हुई सिल्ट है, यहाँ पर जो सिल्ट हमारी रुक जाएगी, टनल द्वारा जो सिल्ट हम कलेक्ट करेंगे, वो जो सिल्ट है उसको हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में हम जब फ्लो कराते हैं, भेजते हैं, तो अंडर सुलिस का यूज करते हैं। तो आप इतना कह सकते हैं इन शॉर्ट कि डायवर्जन हेडवर्क्स के ऐसे पार्ट जो हमारी सिल्ट को डाउन स्ट्रीम में निकालने का काम करते हैं, उन्हें हम अंडर सुलिस कहते हैं। तो ये हमारे कुछ 4-5 पॉइंट्स हुए। अब बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन की और वर्किंग की, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है सिल्ट एक्सक्लूडर की। तो देखें जरा यहाँ पर, अगर आप सोचो कि मैं इस सेक्शन को यहाँ से, आपको ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है 3D इमेज है, अब इस 3D इमेज को आप क्या करो, यहाँ से आप काट दो इसको, इस तरीके से सेक्शन कर दो, जहाँ से मैं मार्कर चला रहा हूँ आप इस तरीके से इसको काट दें, और काटने के बाद यहाँ से आप इस तरीके से इसको लॉन्गिट्यूडनली काट दें, और काटने के बाद इस डायरेक्शन से देखें तो आपको क्या नज़र आएगा। तो देखें जरा यहाँ पर इस डायग्राम को समझते हैं। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल डायग्राम, जो मैं बात समझाना चाहता हूँ सिल्ट एक्सक्लूडर की, सिर्फ उतना ही डायग्राम मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको समझ में भी आएगा। देखें, मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर इसको हम सेक्शन कर देंगे, तो सबसे पहले आप देखें ये क्या हमारी एक वॉल है, उस वॉल में क्या लगा हुआ है, हमारा एक गेट लगा हुआ है, यानी एक हमारा फाटक लगा हुआ है, जो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको रैक, जो हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर को हमने काटा। और सेक्शन के बाद जब हम इधर इस साइड डायरेक्शन देखेंगे, तो हमें एक जो पूरी ये दीवार और उसके अंदर ये हमारा गेट रेड कलर का, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कैनाल हेड रेगुलेटर, और ये हमारा जो ऊपर सर्किल है, यानी हमारी जो मैनुअली ऑपरेट करते हैं इसको, हम रस्से द्वारा खींचकर अप डाउन कंडीशन में कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, रेगुलेटर है और ये दीवार है। अब देखें, जो वाटर आएगा, जो वाटर हम रिवर का वाटर हम ट्रांसफर करेंगे, कहां पर हम कैनाल में ट्रांसफर करेंगे, तो वो पानी हमारा कहां होते हुए आएगा, सबसे पहले पानी आएगा उसके अंदर सिल्ट सस्पेंशन में होगी, और सिल्ट सस्पेंशन में होगी तो रेक्टेंगुलर जो यहां पर टनल्स हैं, जो सुरंग बनी हुई है, जिसका काम है सिल्ट को कलेक्ट करना, ताकि कैनाल में सिल्ट ना जा सके, तो उस पर हमारी क्या होगी, सिल्ट आएगी। तो जैसे ही सिल्ट यहां पर आएगी, तो उस रेक्टेंगुलर टनल के अंदर हमारी सिल्ट आ जाएगी, और यहां पर जो भी आप देखें, जो वाटर आ रहा है, यहां से पानी आया तो ये हमारा वाटर आया, और जो हमारी रेक्टेंगुलर टनल है, यहां पर देखें आप, ये जो तीन टनल आपको दिखाई दे रही हैं, 1, 2, 3, वो हमारी कौन सी टनल है, 1, 2, 3, ये टनल जो मैंने यहां से काटा और जो मैंने सेक्शन से इधर देखा, तो यहां पर जब इस डायरेक्शन देखें, यहां पर आपको रेक्टेंगुलर ये दिखाई दे रहे ना, तो वही रेक्टेंगल हमारे कहां पर है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमारे हैं, ये क्या है, सिल्ट एक्सक्लूडर रेक्टेंगुलर टनल्स हैं, ये हमारी यानी आयताकार सुरंगें हैं सिल्ट एक्सक्लूडर की, जो क्या काम करेंगी, सिल्ट को कलेक्ट करेंगी, इस पानी में जो सिल्ट आ रही है, और ये पानी कौन सा है, जो पानी हमारा यहां से फ्लो होते हुए यहां पर आया था, और यही हमारा पानी जब यहां पर आएगा तो टनल्स में क्या होगा, सिल्ट आ जाएगी, और यहां से हम क्या करेंगे, यहीं पर नीचे हमारा देखें क्या लिखा हुआ है, अंडर सुलिस फ्लोर, तो जो हमारा अंडर सुलिस है उसका फ्लोर है, और यहां पर भी हमारे गेट लगे होते हैं, जो भी हमारे कैसे होते हैं, ऑपरेटेड होते हैं, और हम क्या करेंगे, उन गेट खोल देंगे, तो हमारी जो सिल्ट यहां पर टनल्स में जमी हुई है, तो जैसे ही अगर इसको बंद कर दें और इसको हम गेट को खोल देंगे, तो जैसे ही पानी इधर से आएगा और वो सिल्ट को टनल्स में से होते हुए डाउन स्ट्रीम में अंडर सुलिस क्या करेगा, सिल्ट को निकाल देगा। तो ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा। और जो अब देखें यहां पर, ये तो हो गई हमारे तीन, क्या हो गई, रेक्टेंगुलर एक्सक्लूडर, जो सिल्ट की हमारी टनल्स हो गई, और जी नीचे हमारा जो रेक्टेंगुलर टनल्स, अभी मैंने बताया था कहां रेस्ट करती हैं, हमारे अंडर सुलिस फ्लोर पर रेस्ट करती हैं, आपको दिख रहा होगा, और ये वाटर। अब देखें जरा यहां पर, समझने वाली बात यह है कि इसकी वर्किंग अगर हम समझें तो किस तरीके की है, इसका जो हमने डिजाइन किया वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, यानी किस आधार पर हमने इसके सिद्धांत पर ही वर्क करता है। तो देखें जरा यहां पर, दो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जब वाटर फ्लो होता हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर हम दो बातें कह सकते हैं कि अगर वाटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक हम बॉटम लेयर, एक टॉप लेयर की अगर हम बात करें, एक इमेजिन करें हमारा पानी आ रहा है, वाटर हमारा फ्लो कंडीशन में इस तरह से आ रहा है, तो जो वाटर आ रहा है, तो हम बात करें बॉटम लेयर्स की, अगर बात करें जो निचली सतह होंगी और जो सबसे टॉप लेयर्स होंगी, तो आप खुद सोचिए कि सिल्ट की मात्रा ज़्यादा कहाँ पर होगी। तो जाहिर सी बात है, सिल्ट अपने सेल्फ वेट की वजह से सेडिमेंट होती होना भी
उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सल्ट भी हमारी क्या हो, बॉटम की तरफ ही उसकी जो टेंडेंसी होती है बैठने की, यानी कि सेडिमेंट होने की। तो हम ये कह सकते हैं कि सिल्ट की जो मात्रा होगी, जो सिल्ट जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाई होगा, हैवी होगा, वो कहाँ पर होगा? बॉटम लेयर्स में होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सिल्ट की जो सस्पेंशन की जो कंसंट्रेशन है, सिल्ट सस्पेंशन का जो कंसंट्रेशन है, सिल्ट की मात्रा जो टॉप लेयर में होगी वो कैसी होगी? कम होगी। तो एक चीज़ हम यहाँ से कह सकते हैं कि बॉटम लेयर जो पानी है, बॉटम लेयर का जो हमारा वाटर लेयर है, उस जिसमें सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है, वो लेयर, उस लेयर में जो सिल्ट की मात्रा है वो टनल्स द्वारा कलेक्ट कर ली जाती है। यानी कि दूसरा एक और पॉइंट है, अभी मैंने क्या बताया, जो टॉप लेयर्स हैं उन टॉप लेयर्स में सिल्ट की मात्रा कैसी है? कम है। तो वही टॉप लेयर का पानी हम क्या करेंगे? पानी हम कैनाल हेड रेगुलेटर के द्वारा हम आगे कैनाल में फॉरवर्ड कर देंगे। इससे हमें दो बेनिफिट देखने को मिले। एक तो जो सिल्ट की मात्रा ज़्यादा थी वो कैनाल में नहीं गई, क्योंकि कहाँ पर आ गई? वो टनल्स में आ गई, और टनल्स के थ्रू हम कहाँ निकाल देंगे? अंडर स्लुज द्वारा डाउनस्ट्रीम में निकाल देंगे, यहाँ से हमारी फिनिश हो गई। दूसरा, जो हमारा क्लियर वाटर था जिसमें पानी, जिसमें सिल्ट कंसंट्रेशन की मात्रा कम थी, जो कि टॉप लेयर का वाटर था, टॉप लेयर का वाटर हमने क्या कर दिया? हमने हेड रेगुलेटर द्वारा कैनाल में फॉरवर्ड कर दिया। इससे हमें ये बेनिफिट देखने को मिला कि कैनाल में हमारी जो सिल्ट की मात्रा होगी वो बहुत ही कम यहाँ पर फॉरवर्ड होगी। तो हमने यहाँ पर समझे, तो ये जो हमारे सिल्ट एक्सक्लूडर हैं वो इस सिद्धांत पर हमारे डिजाइन किए जाते हैं कि बॉटम लेयर में जो सिल्ट की जो हैवी कंसंट्रेशन है उसको ये टनल्स हमारी क्या करती है? कलेक्ट कर लेती, और कलेक्ट करने के बाद में अंडर स्लुज के द्वारा यहां से हमारी ये अंदर ही अंदर किससे कनेक्ट है? हमारी अंडर स्लुज से कनेक्ट, और अंडर स्लुज के द्वारा हमारी डाउन स्ट्रीम में आ जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। और जो टॉप लेयर का वाटर होगा वो हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा आगे कैनाल में। ये आगे हमारी क्या है? ये हमारी आगे कैनाल में यहां से हमारा क्या होगा? पानी चला जाएगा। तो ये हमने देखा इसकी वर्किंग प्रोसेस। अब जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स आपको सिल्ट एक्सक्लूडर से रिलेटेड बताए हैं उसको आप एक बार देख भी लें। तो देखें जरा ध्यान से इस बोर्ड की तरफ आप देखें, तो देखें जरा इस बोर्ड की तरफ आप देखें कि जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पर आपको बताए थे उन सभी पॉइंट्स को एक बार आपको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। तो देखें जरा, सबसे पॉइंट नंबर वन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था सिल्ट एक्सक्लूडर क्या काम करते हैं। तो सिल्ट एक्सक्लूडर की अगर हम बात करें तो देखें जरा यहाँ पर डायवर्जन हेडवर्क्स के ऐसे पार्ट जो कैनाल में सिल्ट की एंट्री को रोकते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिल्ट एक्सक्लूडर हमारे क्या है? ऐसे पार्ट हैं डायवर्जन हेडवर्क्स के जो सिल्ट की एंट्री को कहाँ रोकते हैं? सिल्ट की एंट्री को कैनाल में जाने से रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सिल्ट एक्सक्लूडर कहलाते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट का था सिल्ट एक्सक्लूडर रेक्टेंगुलर टनल्स होती है। मैंने आपको बताया कि सिल्ट एक्सक्लूडर हमारी क्या है? रेक्टेंगुलर टनल्स हैं, आप देख सकते हैं यहां पर। दूसरा, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था यहां पर कि ये रेक्टेंगुलर टनल अंडर स्लुज के फ्लोर पर रेस्ट करते हैं। आप देखें ये जो हमारी टनल्स हैं वो टनल्स हमारी कहां रेस्ट कर रही हैं? अंडर स्लुज के कहां पर रेस्ट कर रही है? हमारी फ्लोर पर रेस्ट कर रही हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें सिल्ट एक्सक्लूडर में रेक्टेंगुलर टनल कैनाल हेड रेगुलेटर के पैरेलल और अंडर स्लुज के परपेंडिकुलर होती हैं। इस पॉइंट को भी आप देखें कि जो हमारी रेक्टेंगुलर टनल्स हैं वो किसके पैरेलल हैं? वो हमारे कैनाल हेड रेगुलेटर के पैरेलल हैं। आप देखें कैनाल हेड रेगुलेटर, इस तरीके से टनल भी हमारी पैरेलल ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें जो हमारे अंडर स्लुज हैं, अंडर स्लुज की जो यहाँ पर आप डायरेक्शन देखें उससे कैसे हैं? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हमें देखने को मिल रही है क्या चीज़ें? हमारी जो रेक्टेंगुलर टनल्स हैं। तो तीसरा नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। आगे देखें अगर रेगुलेटर के पास वाले टनल सबसे लंबी होती है। मैंने आपको बताया कि रेगुलेटर के पास वाली जो हमारी टनल है वो कैसी? सबसे बड़ी होती है। और आगे देखें इसका जो मैं आपको बता रहा था नोट इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखें अगर पानी ले जाने वाली जो स्ट्रीम में यदि सिल्ट सस्पेंशन में है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिवर का वाटर फ्लो होता हुआ आ रहा है उसमें हमारी सिल्ट कैसे होगी? सस्पेंशन में होगी। तो उसमें देखेंगे सिल्ट कंसंट्रेशन इज हैवी इन लोअर लेयर, तो सिल्ट कंसंट्रेशन हमारा हैवी होगा लोअर लेयर में, बट सिल्ट कंसंट्रेशन इज लो इन द अपर लेयर। जो पानी की हमारी अपर लेयर है, अपर लेयर में सिल्ट कंसंट्रेशन की मात्रा हमारी कम होगी, जबकि बॉटम लेयर में सिल्ट कंसंट्रेशन की मात्रा हैवी होगी। तो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए सिल्ट कंट्रोल डिवाइस, कौन सी? सिल्ट एक्सक्लूडर इस तरीके से डिजाइन की जाती है
ताकि बॉटम लेयर में वाटर में सिल्ट को, जो बॉटम लेयर के वाटर में सिल्ट है उसे सिल्ट एक्सक्लूडर द्वारा कलेक्ट किया जा सके। सिल्ट एक्सक्लूडर में जो हमारे रेक्टेंगुलर टनल्स हैं उनसे हम कलेक्ट कर लें और अंडर सुलिस से डाउन स्ट्रीम में निकाल देते हैं। और क्या कर लेते हैं फिर हम, अंडर सुलिस से डाउन स्ट्रीम में निकाल देते हैं किसको, जो सिल्ट हमने कलेक्ट कर ली है, किसकी मदद से, अंडर सुलिस की मदद से। आगे अगर हम बात करें कि रेक्टेंगुलर टनल्स में जो वाटर वेलोसिटी होती है वो 2 से 3 मीटर पर सेकंड हम मेंटेन रखते हैं। जो रेक्टेंगुलर टनल्स है उसमें हमारी जो वाटर वेलोसिटी हम रखते हैं वो 2 से 3 मीटर पर सेकंड हम यहां पर क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सिल्ट एक्सक्लूडर अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्ट एक्सक्लूडर आखिर क्या होते हैं और किस तरीके से आपको यहां पर इस पूरे 3D डायग्राम में लोकेशन देखने को मिली। स्टूडेंट से यही कहूंगा कि अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को समझ में आता है, आपको पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, अगर ये लेक्चर वाकई समझ में आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और आगे काम करने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वीडियो को, अगर ये अच्छी लगती है तभी आप इसको क्या करें, लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखें जरा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिल्ट इजेक्टर, जिसे हम सिल्ट एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारा काम था क्या कि रिवर में जो हमारा वाटर फ्लो, जो हमारी स्ट्रीम है, रिवर की जो हमारी वाटर फ्लो स्ट्रीम जो यहाँ पर आ रही है, जो धारा बहती हुई आ रही है, उसमें जो सिल्ट सस्पेंशन में थी, हमारा सबसे पहला काम था कि उस सिल्ट को कैनाल में जाने से रोकना। तो जितना हम रोक सके सिल्ट एक्सक्लूडर के द्वारा उतना हमने क्या किया, पूरी कोशिश की, उसको इस तरीके से बनाया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिल्ट को क्या कर पाए, कैनाल में जाने से रोकें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैनाल में सिल्ट हमारी चली जाती है। तो अगर अब आगे बात करें कि जो कैनाल में सिल्ट जा चुकी है उसको निकालने का काम कौन करते हैं, सिल्ट एजेक्टर या सिल्ट एक्सट्रैक्टर, वो क्या काम करते हैं, इसका वर्क करते हैं। तो सिल्ट निष्कासक इनको कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि कैनाल हेडवर्क्स में या फिर डायवर्जन हेडवर्क्स के ऐसे पार्ट, तो देखें जरा यहां पर लिखते हैं डायवर्जन हेडवर्क्स, डायवर्जन हेडवर्क्स के ऐसे पार्ट जो कैनाल में एंटर्ड सिल्ट, जो सिल्ट एंटर कर चुकी है, एंटर्ड सिल्ट, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, कैनाल में घुसी हुई सिल्ट, जो उसमें जा चुकी है, घुसी हुई सिल्ट, तो कैनाल में एंटर्ड सिल्ट को निकालने का काम करती है, निकालने का काम करती है। अब देखें इसको जरा समझें अगर हम, कि हमारी जो सिल्ट इजेक्टर क्या है, मैंने आपको बताया कि सिल्ट इजेक्टर, अगर हमारी कैनाल में सिल्ट जा चुकी है तो इस हेड रेगुलेटर के पास में डाउन स्ट्रीम में बहुत नज़दीक ही क्या करते हैं, सिल्ट इजेक्टर डिवाइस लगाते हैं, बनाते हैं वहाँ पर, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो सिल्ट एंटर कर चुकी है उसको हम रोकते हैं। आगे अगर बात करें हम कि ये कहाँ लगाई जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में रेगुलेटर के बाद डाउनस्ट्रीम में सिल्ट इजेक्टर लगाए जाते हैं। तो ये हमारा कुछ इसका इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स नहीं थे, तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि सिल्ट इजेक्टर क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सिल्ट एक्सक्लूडर भी समझ में आया होगा, सिल्ट इजेक्टर भी समझ में आया होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सिल्ट एक्सक्लूडर था जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अंडर सुलिस और डिवाइड बॉल वगैरह के बारे में। तो अलग अलग टॉपिक के, यानी जो भी हमारे डायवर्जन हेड के अलग अलग पार्ट्स हमने देखे थे उस लेक्चर में, तो यहाँ पर अलग अलग लेक्चर वाइज इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।